नगर निगम भिलाई के 6 अधिकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्त होने के उपरांत उन्हें निगम प्रशासन ने विदाई समारोह का आयोजन कर ससम्मान विदाई दी। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम भिलाई के 6 सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों को शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया और इन कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य तथा दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। निगम से दिसंबर माह में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में जीवन लाल वर्मा, जो निगम सचिव का कार्य लंबे समय से देख रहे थे, इनके साथ पंप सहायक वेदराम जोशी, अशोक कुमार सिंह हेल्पर, भूखन लाल साहू जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर में फील्ड वर्कर के रूप में कार्यरत थे, राम कुमार सफाई कामगार तथा नीतिया बाग सफाई कामगार जो कि उद्यान विभाग में पदस्थ रहीं, इन्हें 62 वर्ष की अर्धवार्षिक आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति दी गई। देखिए, निगम सचिव का कार्यभार संभाल रहे जीवन वर्मा जी और उसके साथ में जो 5 अन्य और अधिकारी कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभाग में पदस्थ रहे हैं, जैसे स्टेशनरी विभाग, उद्यान विभाग और नेहरू नगर जोन कार्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट में वो अपना जिम्मेदारी के साथ काम किए थे और 62 वर्ष की अर्धवार्षिकीय आयु जो पूर्ण करने के पश्चात में उन्हें सेवानिवृत्ति जो है वो दिसंबर माह में प्रदान कर दी गई थी। चूँकि दिसंबर के बाद 2 दिनों का अवकाश था, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, तो 2 जनवरी को विदाई समारोह का आयोजन किया गया और ससम्मान विदाई देने के लिए माननीय महापौर जी और कमिश्नर साहब स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने साल श्रीफल प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके सभी को उनके दीर्घायु जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, 6 कर्मचारी जो थे, उनको विदाई सम्मान दी। इस दौरान में MIC मेंबर और जो पार्षदगण थे उसके अलावा अधिकारी कर्मचारी निगम के जो थे वो सभी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इन सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के परिजन विदाई समारोह में सभागार में मौजूद रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहकर सभी को स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।